हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर Q&A वीडियो। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओपन काउंसलिंग से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग ऑलमोस्ट 20-25 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, तो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा लॉन्ग होगा, ठीक है। लेकिन गाइस, अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपका डाउट जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा गाइस, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज जो है ओपन काउंसलिंग फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और अपना डाउट क्लियर कीजिए, उसके बाद इस फॉर्म को आप लोग भरिए, ठीक है, अगर आप भरना चाहते हो तो। सो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गाइस, शिव कुमार पूछ रहे हैं, सर क्या हम अपने फ़ोन से फॉर्म भर सकते हैं? तो देखिए गाइस, आप लोग जो है अपने फ़ोन से फॉर्म भर सकते हो। मैं जो आप लोगों को बताया हूँ वीडियो में कि आप लोगों को कैसे फॉर्म भरना है, मैं आप लोगों को अपने फ़ोन से ही इस फॉर्म को भर के बताया हूँ, ठीक है। मैंने कोई लैपटॉप या फिर कंप्यूटर का यूज़ नहीं किया हूँ, ठीक है। ये एक सिंपली गूगल फॉर्म है, इसको आप लोग जो है अपने फ़ोन से भर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड गाइस, अतुल पूछ रहे हैं, भैया मैंने EWS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है, अभी कुछ दिन लगेगा आने में, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ EWS कैटेगरी से? देखिए गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों के पास अभी करेंटली EWS सर्टिफिकेट है, तभी आप लोग इस कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हो, मतलब EWS कैटेगरी के थ्रू आप लोग जो है फॉर्म भर सकते हो। लेकिन गाइस, अगर आप लोगों के पास नहीं है EWS सर्टिफिकेट, तो आप लोगों को जनरल ही सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, अदरवाइज आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड गाइस, मोहम्मद नौफाल पूछ रहे हैं, ब्रो आई गोट 78 मार्क इन MA जर्नलिज्म, बट नाउ आई वॉन्ट चेंज माई सब्जेक्ट, कैन आई अप्लाई फॉर MBA? देखिए गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप जो है फ्री हो किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई करने के लिए, आपको फुल फ्रीडम दिया गया है कि आप किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आप लोगों को इंश्योर करना होगा, आपको पता होना चाहिए कि आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, उस कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो, ठीक है, ये आप लोगों को इंश्योर करना होगा। पहले आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कीजिए कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, उसके बाद आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बात रही गई इसकी, आप जो है MA जर्नलिज्म के मार्क्स के बेसिस पे MBA में एडमिशन ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, तो जी हाँ गाइस, आप लोग जरूर एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर गाइस, अनुप पूछ रहे हैं, सर फॉर्म सबमिट करने के बाद योर फॉर्म हैज़ बीन रिकॉर्डेड दिखाता है, उसके बाद फिर ओपन करोगे तो नहीं दिखाता है, तो हमें कैसे पता चलेगा, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों का फॉर्म अगर आप जो है सबमिट बटन को क्लिक कर देते हो, तो उसके बाद आप लोगों का फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली। इसके लिए आप लोगों को किसी कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है, ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा गाइस। क्वेश्चन नंबर फाइव गाइस, श्रुति गुप्ता पूछ रहे हैं, सर मैंने आपके वीडियो देखने से पहले ही फॉर्म भर दी थी और मुझे पता नहीं चला सबमिट हुआ कि नहीं, इसलिए मैं उस फॉर्म को 2-3 बार सेम भरी और सेम जीमेल से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, प्लीज़ रिप्लाई सर। देखिए गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका फॉर्म अगर आप सबमिट कर देते हो, अच्छे से जो भी डिटेल मांगा गया है आप लोग को अच्छे से भर के उसे सबमिट करना है बस, ठीक है। अगर आपने सबमिट कर दिया है, इसका मतलब आपका फॉर्म जो है उनको रिसीव हो जाएगा, ठीक है, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई होप गाइस, आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स गाइस, वंशिका पूछ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन आईडी और एप्लीकेशन नंबर का PDF डिलीट हो गया है, कैसे करूं, प्लीज़ हेल्प। देखिए गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आपका फीस रिसिप्ट डिलीट हो गया है या आपके पास नहीं है, इस केस में गाइस आप जो है अपना अगेन फीस रिसिप्ट डाउनलोड नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि गाइस ये ऑप्शन ही नहीं है यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर कि आप जो फीस रिसिप्ट है उसे दोबारा डाउनलोड कर पाएँ, ठीक है। तो गाइस, आप लोगों को कल मैंने बताया था कि आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन गाइस इसके बारे में मुझे पूर्ण जानकारी नहीं थी, इसलिए मैंने आप लोगों को बोल दिया था, ठीक है। मैंने लिंक भी प्रोवाइड किया था, लेकिन गाइस उस लिंक के थ्रू केवल आप जो है अपना एडमिशन फीस रिसिप्ट जो आप लोगों ने ऑनलाइन एडमिशन किया है वो बस डाउनलोड कर सकते हो, आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन फीस रिसिप्ट डाउनलोड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा गाइस, अगर आपके पास फी रिसिप्ट नहीं है तो आप जो है ओपन काउंसलिंग के लिए अप्लाई भी नहीं सकते हो, क्योंकि इस केस में आप लोगों के पास एप्लीकेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं होगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्हें नहीं डालते हो, आप अपने फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा गाइस।
क्वेश्चन नंबर 7 गाइस, अंकित पूछ रहे हैं सर डी फार्मा में एक भी सीट्स खाली नहीं है तो फॉर्म भरें कि ना भरें। देखिए गाइस, आपका अगर किसी कोर्स में अप्लाई करने का मन है तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक ऐसे कोर्स के लिए अप्लाई करोगे जिसमें सीट वैकेंट ही नहीं है तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 गाइस, नवीन पूछ रहे हैं भैया कैटेगरी सर्टिफिकेट किस ईयर का होना चाहिए, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है वो एक बार बनता है, उसमें किस ईयर का होना चाहिए ये मैंडेटरी नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैटेगरी सर्टिफिकेट जो होता है वो एक ही बार बनता है, आपका लाइफ टाइम के लिए बनता है, उसे आप लोग लाइफ टाइम तक यूज़ कर सकते हो। आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 गाइस, फैक्ट बाय नेहा कश्यप पूछ रहे हैं सर समझ नहीं पा रही डिप्लोमा क्या है और उसमें हम यूजी वाले फॉर्म भर सकते हैं। देखिए गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिप्लोमा कोर्सेज जो होते हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशनल कोर्स होते हैं। जैसे कि गाइस, आप लोगों को पता होगा कि जो ग्रेजुएशन है वो एटलीस्ट 3 ईयर्स का होता है। ठीक है, तो अगर आप जो है किसी कोर्स को करना चाहते हो, जैसे कि बी फार्मा, ये 4 सालों का होता है, लेकिन गाइस अगर आप इंटरेस्टेड हो इस फील्ड को समझना चाहते हो बी फार्मा में एक्चुअल में क्या स्टडी होती है, तो आप इन शॉर्ट ड्यूरेशनल डिप्लोमा कोर्सेज को करके भी इस फील्ड का अच्छा खासा नॉलेज गेन कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस, जो डिप्लोमा कोर्सेस होते हैं वो ग्रेजुएशन के मुकाबले काफ़ी प्रैक्टिकल ढंग से पढ़ाए जाते हैं, जो आपको काफ़ी स्किल्ड बनाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 गाइस, ब्रज सोनी पूछ रहे हैं भैया मैंने फॉर्म भर दिया है लेकिन उसकी कोई स्लिप नहीं निकली है। देखिए गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आप लोगों ने कोई भी फीस पे नहीं किया है, सो आप लोगों को इसका कोई फीस रिसिप्ट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये आप लोग का फॉर्म सबमिट हो चुका है अगर आपने सबमिट कर दिया है तो। क्वेश्चन नंबर 11 गाइस, सुदीप पूछ रहे हैं भैया बहुत लोग बोल रहे हैं कि वीवॉक कोर्सेस में मान्यता प्राप्त नहीं है आईजेंटू में, क्या वो सही है क्या भैया बताएं। देखिए गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा आईजेंटू के अंदर जितने भी कोर्सेस अभी रन किए जा रहे हैं वो सारे कोर्सेस जो है अभी आप लोगों के विदाउट अप्रूवल नहीं है, सभी का अप्रूवल है, सभी कोर्सेस मान्यता प्राप्त कोर्सेस हैं। ठीक है, तो आप लोग डाउट में मत रहिए कि यहाँ कोई कोर्स जो है मान्यता प्राप्त नहीं है, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है गाइस, आपको समझना चाहिए कि ऐसा कोई कोर्स यहाँ चलाया ही नहीं जाएगा जिसकी मान्यता दी ही नहीं जाएगी। तो गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 गाइस, शुभम पूछ रहे हैं मेरे से भी गलती हो गया है तो मैं दोबारा फॉर्म भरा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। देखिए गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने कोई गलती किया है फॉर्म में तो आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है, लेकिन अगर आपने गलती नहीं किया है, अगर आप एडिट करके उसे आपने सुधार दिया है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 गाइस, शिफा पूछ रही है सर मैंने 2 सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरी हूँ पर एग्ज़ाम 1 का ही दी हूँ तो उसका नंबर दोनों में भर सकते हैं। जी हाँ गाइस, आप जो है उसी नंबर को 8 सब्जेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, 8 सब्जेक्ट में आप लोग जो है भर सकते हो, 8 कोर्सेज के लिए आप लोग जो है ओपन काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हो विद द सेम इंट्रेंस मार्क्स। ठीक है, उसी इंट्रेंस मार्क्स का यूज़ करके आप लोग 8 कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो आई होप गाइस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 गाइस, रंजनी सिंह पूछ रहे हैं सर बायोटेक में जनरल का सीट नहीं है और मैं जनरल से हूँ तो ओपन काउंसलिंग का फॉर्म भरूँ या ना। गाइस देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि जिस भी कोर्स में सीट्स अवेलेबल नहीं है उस कोर्स को छोड़कर आप बाकी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो, बस आप लोगों को इंश्योर करना होगा, आप लोगों को देखना होगा कि आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई करने जा रहे हो उसके लिए आप एलिजिबल हो या नहीं। आई होप गाइस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 गाइस, श्री राम भक्ति पूछ रहे हैं भैया जैसे कि जिस कोर्स का फॉर्म नहीं भरे हैं उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या लिखें। देखिए गाइस, आप लोगों ने किसी भी कोर्स के लिए अगर अप्लाई किया है तो आप उसी रजिस्ट्रेशन नंबर और एप्लीकेशन नंबर का यूज़ कर सकते हो दूसरे कोर्सेस में अप्लाई करने के लिए। लेट से गाइस, आपने बीए हिस्ट्री के लिए अप्लाई किया है तो गाइस आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन तो बीए हिस्ट्री के लिए किया है, लेकिन गाइस अगर आपको ओपन काउंसलिंग में एक मौका दिया जाता है कि आप लोग किसी भी कोर्स में अप्लाई कर सकते हो अगर आप उस कोर्स के लिए एलिजिबल हो तो इस केस में गाइस आप लोगों को क्या करना होगा, बस उसी रजिस्ट्रेशन नंबर और एप्लीकेशन नंबर को डालना है और आप लोग दूसरे कोर्सेज के लिए अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो समय कम है, जल्दी अप्लाई करें।
क्वेश्चन नंबर 16 गाइस, आयुष पांडे पूछ रहे हैं, सर मैं रजिस्ट्रेशन के समय EWS सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर पाया बट ओपन काउंसलिंग में करना चाहता हूं, क्या मैं अब अपनी कैटेगरी EWS करवा सकता हूं? जी हां गाइस, आप करवा सकते हो। आप सभी का वीडियो को यहां तक देखने के लिए धन्यवाद गाइस, आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं गाइस, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा लंबी हो चुकी है। सो गाइस, आई होप आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।